गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन, जिसका नाम है ए गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी वाली लड़की, जिसको लिखे हैं विलियम सी डगलस। थोड़ा सा विलियम सी डगलस के बारे में जान लेते हैं। विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे 1950 में भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्या से जूझ रहा था। पाकिस्तानी क्षेत्रों से भगाए गए भारतीय लोग भारत में बसने के लिए आए हुए थे। वे लोग अनेक प्रकार की मुसीबतें झेल रहे थे। वे लोग अपने घर, वस्त्र, धन एवं व्यवसाय विहीन थे। उनके बच्चे भी अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। यहाँ पर लेखक उन सबका एक जीवंत विवरण दे रहा है, जो उसने दिल्ली से रानी खेत जाते समय शरणार्थी बच्चों के बारे में देखा था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। यहाँ से लिखा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से रवाना हो चुका था। लेफ्ट का मतलब छोड़ना या रवाना होना। तो मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आगे लिखता है कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन, मैं बरेली तक किसके द्वारा जा रहा था, बाय ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा। लेखक अपनी यात्रा का वृत्तांत बताते हैं कि कैसे कैसे वो नई दिल्ली से रानीखेत गए और उन्हें रास्ते में क्या क्या मिला, क्या क्या उन्होंने रास्ते में देखा। देखिए आगे लिखा है कि एंड देन बाय कार टू रानीखेत, उसके बाद में रानीखेत जाए कैसे गए, बाय कार मतलब कार के द्वारा। अब रानी खेत के बारे में देखिए कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी आर्मी मतलब फौज की हिल स्टेशन मतलब छावनी। रानी खेत क्या था कि एक पुरानी अंग्रेजी फौज की छावनी थी। लिखा है कि लोकेटेड मतलब जो स्थित था, कहाँ पे स्थित था, ऑन ए 6,000 फुट रीच, 6,000 फीट, रीज मतलब सीधा, अपोजिट ए 120 माइल स्टेट्स ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, करा कि 120 मील फैले हुए हिमालय जो बर्फ की चोटियों से ढका हुआ था, यानी कि 120 मील फैले हुए बर्फ की चोटियों से ढके हुए हिमालय के अपोजिट साइड में रानीखेत स्थित था। आगे लिखा है कि द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन कैसे चल रही थी, ट्रेन स्लो चल रही थी, यानी कि रेलगाड़ी की जो गति थी वह धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर स्टॉप मतलब रुकती चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, कहा कि प्रत्येक स्टॉप पर यानी कि जहां भी ट्रेन रुकती थी मैं अपने दरवाजे को स्वंग ओपन मतलब तेजी से खोल देता था, आप माय कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, क्या करता था, प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। आगे लिखा है द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म जो थे वह लोगों से पैक्ड थे मतलब ठसाठस भरे हुए थे। कौन कौन से लोग उसमें थे, तो सिख थे यानी कि प्लेटफॉर्म पर सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स मतलब सैनिक थे, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी थे, प्रिट्स मतलब पुजारी थे, पोर्टर्स मतलब कुली थे, बेगर्स मतलब भिखारी थे, और हाकर्स मतलब फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, कहते हैं कि सभी लोग लगभग बेयर फुट मतलब नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड और कपड़े कहने कैसे पहने हुए थे, इन लूज मतलब ढीले ढाले, व्हाइट गारमेंट मतलब सफेद रंग के कपड़े पहने थे जो ढीले ढाले थे।
आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा तब जाकर के मुझे एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने विश्व के मामलों के बारे में बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़े टॉपिक पे बात किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, यानी कि उस दिन का जो समाचार था उसमें जो मेजर टॉपिक थे उसके बारे में बात किया और विश्व के मामलों के बारे में बात किया। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था टू गेट, मतलब प्राप्त करने के लिए, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये फ्रेज दिया है। फील ऑफ द पल्स मतलब नब्ज टटोलना, कहते हैं कि मैं इस प्रकार से राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और मैं राय को जांचने की कोशिश कर रहा था। अगेंस्ट विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड मतलब सरकारी दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स मतलब सूचनाओं, सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पे मैं वहां की राय को चेक कर रहा था, यानी कि जानने की कोशिश कर रहा था। आगे देखते हैं, द रूट ले थ्रो, रास्ता ले थ्रो मतलब कैसे गुजर रहा था। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के समृद्ध, रिचेस्ट मतलब समृद्ध, भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर के गुजर रहा था, यानी कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो भारत का कृषि क्षेत्र का समृद्ध रास्ता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का अपर मतलब ऊपरी, प्लेन मतलब समतल स्थान था। ये 1000 feet एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, ये 1000 feet एबव सी लेवल यानी कि समुद्र के स्तर से 1000 feet की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मतलब वह स्थान जहां पर लंबे समय तक खूब गर्मी पड़ती है और लंबे समय तक खूब बरसात पड़ती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत की थी, यानी कि उस समय गंगा को देखने पर लग रहा था कि भूरा रेत भरा हुआ है। सोलेन विद फ्लड वाटर्स, यानी कि बाढ़ के पानी से सोलेन मतलब उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो ओवरफ्लो मतलब बहाव था, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, देखिए इन अनडेंटिंग का मतलब हो जाएगा ढका हुआ, यह चावल के या धान के हजारों एकड़ भूमि को ढका हुआ था, यानी गंगा का जो बहाव था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब विस्तार, ग्रेट एक्सपेंसेज मतलब बहुत बड़ा विस्तार था। ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकेन, और वह कहीं से टूटी हुई नहीं थी, टूटने का मतलब कि उनका जो श्रृंखला था वो लगातार था। एक्सेप्ट मतलब कह रहे हैं कि सिवाय फार एंड ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, मतलब कहीं कहीं पेड़ों के क्लम्प मतलब झुंड मिल जाते थे। पेड़ों के बारे में लिखा है कि द होम ऑफ टाइगर्स, जो शेरों एलिफेंट्स मतलब हाथियों, पाइथन्स मतलब अजगरों, एंड कोबराज मतलब काले नागों का घर था। एवरीवेयर इल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग, लगभग हर जगह समतल, फ्लैट मतलब समतल, लैंड मतलब जमीन, रनिंग मतलब दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। टू द होरिजोन, होरिजोन मतलब क्षितिज, यानी कि वह स्थान जहां पे लगता हो कि आकाश और धरती मिल रहे हो। आगे लिख रहा है कि बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेकर्ड बनियान ट्री, कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ भी मिल जाते थे। आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पाकर के पेड़ों की रोज मतलब कतारें मिल जाती थी। सेव्ड लाइक इल्म, जो इल्म के पेड़ों के समान थी, यानी कि जो देवदार के पेड़ों के समान थी। एंड हैविंग
थीक ट्विस्टेड टंग्स, और जो उनकी तना था, थीक मतलब घना यानी कि मोटा, और ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ था, यानी कि वो जो पेड़ थे देवदार के, वो बहुत पुराने पेड़ लग रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म तथा नम हवा, मूविंग मतलब बह रही थी। मंकीज मतलब बंदर, सम ऑफ दे मदर्स, जो बंदरियां थी, विथ बेबी, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, अपने बच्चों को क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडर नीथ, और जो उसके जो बच्चे थे वो नीचे की तरफ क्या कर रहे थे, राइडिंग मतलब सवारी कर रहे थे, यानी कि लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, क्या करते थे कि स्टेशन पर वह लुकिंग फॉर मतलब तलाश में, फूड मतलब भोजन, भोजन की तलाश में वह स्टेशन पर उतर पड़ते थे या कूद पड़ते थे। द विलेजेस वी पास, जिस गांव से हम लोग गुजरे, हेडवास, उसकी जो दीवारें थी मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, वो क्या थी कि पानी से और काउडंग मतलब गोबर से मिली हुई मिट्टी से लिपी गई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थाइज्ड, और उसकी जो नुकीली छत थी, जो उसकी रूफ्स जो छत थी वो थाइज मतलब छप्पर की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाई टू बैम्बूज, कराए कि जो बांस के सहारे, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के जो बंडल थे वह बांस के सहारे बांधे गए थे। पोस स्टेच अक्रॉस द राफ्टर, और राफ्टर मतलब बल्ली, एक बल्ली के सहारे जो पोल्स लगे हुए थे, जो डंडे लगे हुए थे, स्टेच मतलब फैले हुए थे। दैट डेड पंपकिन वाइन्स, उन दिनों जो कद्दू के वाइन्स मतलब लताएं थी, दैट ग्रीव जो बढ़ी हुई थी या फैली हुई थी, ओवर देम उन दीवारों के ऊपर, वर इन ब्लूम मतलब वह फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ एलो, वह पीले रंग की स्टिक्स धारियां बना रही थी। ओवर ड्रैब वॉल्स, उन मटमैली दीवारों पर पीले रंग की धारियां बना रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर जो लोगों से मेरा बात करने का सिलसिला था, वॉज इंटरप्टेड मतलब बाधित हो गया। एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं एलाइटेड मतलब उतरा, ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे लोग टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वूवन मतलब हाथ की बनाई गई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियां या नरकट की टोकरियां, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिसपे साधारण नक्काशी की गई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, कहते कि मुझे तो पता नहीं था कि वो क्या चिल्ला रहे हैं, बट कन्वेइंग, लेकिन क्या वे लोग कह रहे हैं, अनमिस्टेकेबली बिना किसी गलती के, यानी कि स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर उनकी इच्छा, यानी कि उनकी इच्छा मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी, रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पार्टीशन मतलब बंटवारा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा डिक्रीड मतलब घोषित किया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों, देखिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों सैकड़ों का मतलब हो जाएगा कि लाखों ऑफ पीपल, यानी कि लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने घरों को छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेज, और अपने निवास को बदल दिए, अपने पुराने घरों को छोड़ करके अपना निवास बदल दिए। 9 मिलियन पीपल,
90 लाख लोग, देखिए 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया। कहाँ आ गए? भारत आ गए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म मतलब हो जाएगा धार्मिक उन्माद, यानी कि धार्मिक उन्माद के डर से वो लोग वहां से अपना घर छोड़ दिए या वहां से भाग चले। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, आरंभ में वे लोग गरीब थे। स्टार्ट विथ मतलब जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया, जब प्रारंभ किया तो वो लोग गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक, और जब वह ट्रेक मतलब पैदल यात्रा, यानी कि जब वह अपनी लंबी पैदल यात्रा किए तो वह और भी पुअरर मतलब और ज्यादा गरीब हो गए। फार, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ला सके थे, वाज ए बीट ऑफ फूड, उसमें क्या था कि केवल थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ बिलोंगिंग्स मतलब कुछ चीजें थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनके पास भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा के कुछ दिन के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे वे साइड मतलब सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से, एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां भी वह गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे सेलिंग बास्केट जो टोकरिया बेच रहे थे, वर सन एंड डॉटर्स पुत्र और पुत्रिया थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के, जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए थे उन्हीं के ये पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या उनके संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, बाजारों में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वह बाजार जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़ों और घासों से बने हुए छायादार स्थानों पर रहा करते थे। That lined the streets, जिनकी पक्तियां, that lined जिनकी पक्तियां गलियों में थी, यानी कि गलियों में जो पक्तियों में उनके घर बने हुए थे, कपड़े और घास से बने हुए घरों में छायादार स्थान पर रहा करते थे। The peasants among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, had been accustomed to, अभ्यस्त हो चुके थे, little all their lives, थोड़ी सी अपनी जीविका में जीने के अभ्यस्त हो चुके थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, कहता है कि क्योंकि जो एनुअल इनकम, जो वार्षिक आय थी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक खेतिहर की, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 से अधिक उनकी औसत नहीं थी, जो उनकी औसत आमदनी थी एक वर्ष में वो $100 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे, और जो अनस्किल्ड, जो अकुशल श्रमिक थे, उनका जो औसत था कमाने का, वह एक दिन में 30 सेंट 30 सेंट था, आर लेस देन $2 अ वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से भी कम था। There is one meal a day, एक दिन का उनका भोजन क्या था, an onion, एक प्याज, a piece of bread, रोटी का एक टुकड़ा, a bowl of pulse with milk, दूध के साथ एक कटोरा दाल, perhaps a bit of goat cheese,
शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। चाय, कॉफी, फैट मतलब घी, मिठाई, मांस की कोई बात नहीं थी। मतलब इनके भोजन में ये सारी चीजें शामिल नहीं थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक वर्ष में $100, एक सप्ताह में $2 से ज्यादा नहीं है। एट इवेन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स। फिर भी इन टोकरियों को बेच करके इस छोटी सी धनराशि को कमाना भी बहुत मुश्किल है। टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर, जो लोग बहुत गरीब हैं, टू बाय देम, उन टोकरियों को खरीदने के लिए। मतलब यह है कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जो टोकरियां नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें टोकरियां बेच करके और इतनी छोटी सी धनराशि कमाना भी बहुत मुश्किल है। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वह मेरे ऊपर लोकस्ट मतलब टिड्डियों की भांति डिसेंडेंट मतलब झपट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं जो एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस निसंदेह द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं एक अमेरिकन था और मैं उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। टीनी मतलब छोटी सी टोकरी। मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ आनों में। आना जो पैसे से भी छोटा होता है, एक आना, दो आना, तीन आना, ऐसे है। अनादर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, और एक दूसरी फलों के लिए टोकरी खरीदी जो उससे कुछ ज्यादा मैंने दिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और एक सुंदर सी रद्दी पेपर के लिए जो टोकरी खरीदी फॉर अ रूपी, उसके लिए मैंने एक रुपया दिया। एवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी, एक रुपये में मैंने एक सिलाई का सामान रखने के लिए प्यारी सी टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, मैंने कुछ पंखे खरीदे जो एक एक या दो दो आने प्रति पंखे के हिसाब से थे। माय आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो बाहें थी वह भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन साउटिंग देयर वेयर्स, जो लड़के थे वो पास्ट इन, गुजर गए यानी कि चले गए। साउटिंग देयर वेयर्स, अपने वेयर्स मतलब सामानों के नाम लेकर चिल्लाते हुए चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, पूरी तरह से घिरा हुआ, करें कि मैं पूरी तरह से सराउंडेड मतलब घिरा हुआ था और मैं आगे बढ़ने में अनेबल टू मूव, आगे बढ़ने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, मतलब सबसे ज्यादा डिलीजेंट मतलब मेहनती, एग्रेसिव वेंडर, जोर देकर अपने सामान को बेचने वाली, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी, ऑफ 9, जो 9 वर्ष की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वॉन्टेड अ रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए एक रुपए एंड ए हाफ, और आधा मतलब कि 1.5 रुपए या फिर 30 सेंट, आर अबाउट 30 सेंट या फिर 30 सेंट मांगती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह याचना, अर्नेस्ट प्लीडर मतलब याचना करने में बहुत उसकी लगन थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, जिन टोन्स मतलब जिन स्वर में
वह प्लीडेड मतलब विनती कर रही थी एंड बेग्ड मतलब याचना कर रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उससे किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता था। रिंग मतलब ऐठना होता है, तो यहाँ पे मतलब ये निकलेगा किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता था, पिघल सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी आवश्यकता का तो कोई प्रश्न नहीं बनता था। फॉर अनादर बास्केट, किसी अन्य टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, कहते कि मैं अपनी लेफ्ट वाले आर्म में यानी कि जो बाएं वाला जो भुजा है उसमें अपने टोकरियों और फैंस को पंखों को बैलेंसिंग संतुलित करते हुए। आई रिस्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट के दाहिने पॉकेट में अपना हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर चेंज मतलब खुले पैसे जिसको रेजगारी बोलते हैं, रेजगारी निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग वह मिल करके 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, जिसे मैं उस लड़की के टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे वह लड़की मेरे सामने याचना पूर्वक ले करके खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाना चाहा। दैट की आई कुड नॉट बाय द बास्केट, लेकिन मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके स्थान पर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट, उसके स्थान पर कुछ ग्रेट्यूटी मतलब उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, मैंने एट वंस मतलब तुरंत रियलाइज्ड महसूस किया। व्हाट ऑफेंस, किस तरह का अपराध या कैसा अपराध आई हैड गिवेन, कर बैठा। द चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की वह बालिका, ड्रेस इन रैग, जो चिथड़े कपड़े पहने हुए थी। एंड ऑन द ईज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, जो भूखमरी के किनारे थी। राइज्ड हर चीन, अपना चेहरा ऊपर किया। चीन मतलब ठुड्डी होता है, चेहरे के जो नीचे का भाग होता है ठुड्डी, यहाँ पे मतलब है उसने अपना चेहरा ऊपर किया। रिच इनटू द बास्केट, और टोकरी में अपना हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ। एंड ग्रेसियसनेस, और शान के साथ। ऑफ ए लेडी, एक औरत की तरह। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे मेरा पैसा दे दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज थी। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वह टोकरी खरीद ली। ही वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से डैश डाउन मतलब दौड़ते हुए नीचे चली गई। हिडेड फॉर सम ग्रास हट, मतलब घास की झोपड़ी में चली गए। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कम से कम उसके पास उस रात के लिए 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड ही, मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यही कारण है कि मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया था। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे। दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में रहते हो, इन द विलेजेस, चाहे वो गांव में रहते हो या फिर वह ऊंचे पदों पर हो। हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर गर्व एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है सद्व्यवहार, उनके अंदर गर्व है और सद्व्यवहार है। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता के प्रति लवली सेंस, जीवंत भावना है, उनके पास गर्व है, सद्भावना है और नागरिकता के प्रति जीवंत भावना है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर
इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता के लिए पैशन मतलब तीव्र भावना है, यानी कि उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदे स्थान पर एंड पावर्टी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण एंड मैनर्स मतलब तौर तरीकों में अनएजुकेटेड, शिक्षित नहीं थी यानी कि अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे दिया था ग्लिम्स मतलब झलक ऑफ द वार्म सोल मतलब जीवंत आत्मा ऑफ इंडिया भारत, उसने मुझे भारत के एक जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी थी। बहुत ही खूबसूरत लेसन था और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।